रहे भारत की बात, मैं आपके साथ शोभना यादव। आज उस एमएमएस कांड की बात करेंगे जिसने शिक्षा के मंदिर को न सिर्फ कलंकित किया है बल्कि उन संबंधों को भी शक के दायरे में ला दिया है जो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोस्ती के साथ जन्म लेता है। मामला पंजाब के मोहाली का है जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक लड़की को एमएमएस बनाकर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और आरोपी 7 दिनों के लिए रिमांड पर भी भेज दिए गए हैं। रविवार रात करीब 1:30 बजे तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहा। मोबाइल की रोशनी में न्याय की मांग के लिए छात्रों ने आंदोलन का ये तरीका अपनाया। रविवार के दिन से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र हॉस्टल का कमरा छोड़कर बाहर आ चुके थे। डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर और मोहाली के डीसी अमित तलवार खुद मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में DSW दफ्तर के बाहर धरना दे रहे छात्रों को समझाने में जुटे रहे। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि रूमर्स पर ध्यान न दें, फैक्ट चेक करें और 10 बच्चों को प्लीज यहाँ लाएं ताकि बात करें और सुलह करें। इस चीज की सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे हम सॉल्व करने का तरीका होता है, आप 10 बच्चे आए। प्रशासन के मुताबिक तरह तरह की अफवाह की वजह से छात्रों को समझाने बुझाने में दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से रात के 1 से 1:30 बज गए। बच्चों को कुछ जो कंफ्यूजन थी, जो रूमर्स थे, राइट, तो बच्चों को सारा कन्विंस कर दिया गया। कुछ बच्चों के पॉइंट्स थे, कुछ सर्विसेज को लेके पॉइंट्स थे जिसके अंदर कि कुछ वार्डन्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, उस वार्डन्स को हमने चेंज कर दिया, उस पर्टिकुलर वार्डन को। इसके अलावा जो कुछ र्यूमर चल रहे थे रिगार्डिंग दी सुसाइड अटेम्प्ट एंड जो एमएमएस को वायरल होने वाले, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स इनको दिखा दिए और हमने इंश्योर किया कि बच्चों को एफआईआर की कॉपी भी देंगे हम। कल बच्चों के पास एफआईआर की कॉपी भी हम दे देंगे और रेस्ट ऑफ दी पूरी डिस्कशन के बाद नाउ दे आर कन्विंस्ड कि यस, कि जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से और जो प्रशासन की तरफ से, नाउ दे आर सेटिस्फाइड। फिलहाल यूनिवर्सिटी में 24 सितंबर तक की छुट्टी कर दी गई है जिसके बाद आज सुबह के इस वीडियो में हॉस्टल के रहने वाले छात्र और छात्राएं सामान लेकर घर जाते दिखे। चंडीगढ़ का एमएमएस कांड पहली बार शनिवार को सामने आया जिसके बाद रविवार को मामला कैंपस से बाहर निकलकर देश दुनिया में फैल गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के हस्तक्षेप के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी में 3 महिला अफसर हैं। सीनियर आईपीएस अधिकारी गुरप्रीत दियो की निगरानी में एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस हैज मेड 3 अरेस्ट इन द केस इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ स्टूडेंट एंड 2 अदर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैव बीन सीज्ड। सीएम पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-मेंबर ऑल वोमेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वी वुड इन्वेस्टिगेट डीपली। इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। पुलिस ने अब तक अपनी जांच में पाया है कि वीडियो केवल उसी लड़की का था जिस पर आरोप है
और किसी लड़की का कोई वीडियो जांच में नहीं मिलने का दावा पुलिस ने किया है। वीडियो बनाने का आरोप जिस लड़की पर लगा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लड़की ने जिस लड़के के मोबाइल पर वीडियो भेजा था उस सनी नाम के लड़के को भी शिमला से पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक तीसरे आरोपी को भी पकड़ा है। इधर पूरी घटना को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में साफ किया गया, कुछ लड़कियों की आत्महत्या जैसे कदम उठाने की बात पूरी तरह से अफवाह है। किसी लड़की को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। बहुत सी लड़कियों के MMS मिलने की बात भी झूठ है। जांच के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल फोन्स का क्या क्या क्लिप्स उन मोबाइल फोन्स के अंदर, वो क्लिप्स किस किसने वायरल किया, उन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, जो कि कोर्ट ने सब दिलों को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते का रिमांड ग्रांट किया। कितनी लड़कियों की वीडियोस बनी है सर? अभी तक दो वीडियोस, एक खुद अक्यूज्ड की है सर, एंड जो सेकंड है वो एक और लड़की। अभी सिर्फ लड़की का रोल सामने आया है कि उसने वीडियो बनाई थी, और अभी तक क्या हुआ कि लड़की ने लड़की को कोई लड़का था जो ब्लैकमेल कर रहा था, रंकज की फोटो थी उसके ऊपर, एंड ही वाज द बॉयफ्रेंड ऑफ दैट। यूनिवर्सिटी और पंजाब पुलिस प्रशासन ने छात्रों से अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। इससे पहले कल दिन में यह अफवाह फैली थी कि 60 से ज्यादा छात्राओं के वीडियो आरोपी लड़की ने बनाकर वायरल किए, जिसका खुलासा होने के बाद कुछ लड़कियों ने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद ही रविवार को छात्र धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं और मोबाइल फोन की जांच कराई जा रही है। जो वीडियो मोबाइल से डिलीट किए गए हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश की जा रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जाए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।